काय काय त्रास होतोय आपल्याला? मेरा ये हाथ दुखता वो। अच्छा, ठनक लगती उसको। अच्छा, नींद नहीं आती रात भर। अच्छा, आपने बहुत दवाखाने बताया, फर्क नहीं पड़ा हमको कुछ। कब से आपको ये? 2 महीने हो रहे। अच्छा ठीक है, आपका हाथ उठा के बताओ कहाँ तक जाता? नहीं, इतना ही जाता है। ठीक है, ले लो नीचे। अभी फिर इधर पीछे नहीं होता। अभी फिर इधर करो, ऐसा ऐसा हो रहा। और ऐसा ऊपर इतना छोरा, दर्द लग रहा है, ज्यादा दर्द लग रहा है। और सामने से? नहीं, सामने से भी इतने होते। ये कितने दिनों से आपको? 2 महीने से हो रहा। क्या हो गया था, गिरे पड़े, मार लगा? नहीं, कुछ भी नहीं। वो अचानक में कुछ चक्कर आई। हाँ। पैर नहीं उठ रहा था मेरा। हाँ हाँ। तो मोर के सर को बताया हमने। हाँ हाँ। उन्होंने क्या ये मेरा बोले काटने को, ये मारा। हाँ। करे उसमें ये सिर दर्द भी बोले तुम्हारे सिर। अच्छा, 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 तो वहाँ 8 मिनट थी, 6-7। जी जी जी। उसके बाद में वो ठीक हो गया? तो उनको और बताई मैं टुकड़ा करके मेरा हाथ। वो बोले आपन हड्डी के डॉक्टर को बताओ। वहाँ बताई फिर मैं। चलेगा चलेगा, फर्क नहीं पड़ा तो इधर आओ। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हाथ उठा के बताओ फिर से एक बार। नहीं, इतना छोटा या इतना पूरा दर्द होता है। ठीक है ठीक है, चलेगा। इसके ऊपर, इसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। इसके अंदर सर्वाइकल के अंदर आपकी नसें दब रही है। हाँ। उसके वजह से आपको दिक्कत हो रही है। तो इसके ऊपर अपन कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। ऑनलाइन है? नहीं नहीं, अभी ट्रीटमेंट करेंगे अपन इसके ऊपर। हाँ, तुम करेंगे? जी जी। हाँ, हाँ। कल से बहुत दुख रहा सर मेरा। जी जी जी। कहीं का ऑपरेशन है क्या आपके शरीर में? नहीं नहीं, नहीं। ये नस दर्द दे रही ना? हाँ, दर्द दे रही है। ठीक, ये भी बहुत दर्द देता है। जी जी। हाँ, वहाँ पे बहुत दुख रहा है। गैप कौन है सर? जी 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 जी, वो गैप को ठीक कर लेंगे अपन। कुछ उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एडमिट होने का दर्द नहीं? नहीं, एडमिट नहीं होने का इसको। चलो नहीं, वहाँ के साथ में हो जाओ। चलो सो जाओ, इधर सो जाओ। रुको रुको, इधर ही सोना है आपका। इधर सर करो, उधर पैर करो। ये सर का निकाल लो। ढीला छोड़ना है, एकदम एकदम ढीला, एकदम ढीला हो गया। कुछ आवाज आया क्या? हाँ। ठीक है ठीक। कहाँ कहाँ पे बजा? नीचे बजा, नीचे गर्दन में। गर्दन में भी बजा ना? अभी ढीला छोड़ दो एकदम। ओके ओके, ढीला छोड़ दो एकदम। ओके, आवाज आया ना? दोनों तरफ से। ढीला छोड़ दो। ओके, आया क्या कुछ आवाज? ठीक, अभी इधर से ढीला छोड़ दो एकदम। ओके, आया ना आवाज? ठीक है, उठ के बैठ जाओ अभी। थोड़ा रह या थोड़ा, कुछ नहीं। पैर नीचे छोड़ दो।
इधर दे रहा है ना। उधर नहीं दे रहा। हाथ उठाओ वाला यहाँ पे दर्द आ रहा है। हाँ। और कहाँ कहाँ पे? बस इतना सिर्फ यही पे आ रहा है। ढीला छोड़ दो, इधर सर करो, ढीला छोड़ना, एकदम ढीला ढीला, ओके, एकदम ढीला ढीला, ओके। कुछ आवाज आया क्या? इधर से ठीक है, आ जाओ नीचे। ऐसा ही खड़ा रहना है आपको, एक मिनट, सामने देखो, सामने देखो, ढीला छोड़ दो, एकदम थोड़ा सा दर्द होगा इसमें। ओके, कुछ आवाज आया क्या अभी? ऊपर दर्द है। ठीक, अभी उठाना है आपको हाथ, ठीक, ले लो नीचे। कितने दिन से ऊपर नहीं जा रहा था यह हाथ? कल से नहीं जा रहा। ठीक, ढीला छोड़ दो, एकदम ढीला, कुछ बजा क्या? ठीक, कुछ मर्म चिकित्सा है उसके मैं पॉइंट्स दबा रहा हूँ आपके, उसके वजह से मैं आपके नसें फ्री कर रहा हूँ, है ना। तो नसें फ्री होने की वजह से हाथ थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लग रहा है अपना, ऐसा है। जैसे पूरी नसें आपकी फ्री हो जाएंगी तो आपको और भी अच्छा लगेगा। इसमें थोड़ा वक्त जाता है, एक महीना दो महीने जाएगा अपना इसमें, लेकिन हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं कोई भी ज़रूरत नहीं, हाथ उठाओ अभी। ओके, अभी तो जा रहा है और दर्द थोड़ा नीचे इधर हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है। ठीक है, इस हिसाब से अपन फ्रोजन शोल्डर पे ट्रीटमेंट करते हैं, और जिसके अंदर नस दबी हुई होती है वो जल्द से जल्द ठीक होने में मदद भी मिलती है। थैंक यू।